आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थोड़े से ऐसे हैरतअंगेज लम्हे जो रिकॉर्ड ना होते तो आप भी इन पर यकीन नहीं करते। वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि लाइक बटन दबा दें, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाली है। आखिरी तक साथ रहेगा। मैं हूँ आपका दोस्त द माइंडलेस बॉय। चलिए दोस्तों, आपको इस चुलबुल हसीना की हरकतें दिखाते हैं। लंबा कोट पहने और कानों में हेडफोन लगाए अपनी धुन में मस्त इन मुहासे के कोट पर एक मंचली लड़की ने स्प्रे पेंट की मदद से क्या बना डाला, आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, आपके सामने कमाल का एक तोहफा पेश करते हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों ने मिलकर एक घर को उठा डाला और नई जगह मौजूद कर दिया। अगर दोस्तों ये बात बिना सबूत के बयान की जाती तो आप क्या मुझ पर यकीन करते। बेसबॉल के गेम में खिलाड़ियों या दर्शकों को गेंद लगना एक आम सी बात है, ऐसा अक्सर होता रहता है। लेकिन दोस्तों तब क्या हो जब एक गेंद उड़ते परिंदे को जा लगे, ऐसा शायद ही किसी ने देखा हो। दिखाई देने वाले वीडियो में जैसे ही पिचर ने गेंद फेंकी, एक परिंदे ने रास्ता काटने की नाकाम कोशिश की और उससे टकरा कर जमीन पर आ गिरा। उड़ते पंख देख कर मालूम पड़ता है कि परिंदे को लगने वाली चोट नन्ही जान के लिए काफी गहरी हो गई। खैर दोस्तों, ये जान से गया या बच्चा लिया गया यह मालूम नहीं किया जा सका। अमेरिका के एक शख्स रोनाल्ड रेन ने मेक्सिको की बॉर्डर पर कुछ ऐसे झूले बना डाले जिनमें दोनों देशों के बच्चे, बूढ़े और जवान एक साथ झूला झूल सकते हैं। रोनाल्ड का कहना है कि ये झूले दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने में कारगर साबित होंगे। इसके अलावा इन मुहासे का मकसद यह है कि एक देश में होने वाली खुशी को दूसरे देश में बांटा जा सके। रोनाल्ड ने बताया कि ये आइडिया उनके दिमाग में 10 सालों से घूम रहा था, जिसे आखिरकार उसने बना ही डाला। दोस्तों, स्केटिंग के लिए हमेशा बर्फ और ढलान का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये खतरों के खिलाड़ी महासे पेड़ों से भरपूर पहाड़ पर स्केटिंग कर रहा है। ऊपर से नीचे उतरते हुए कई पेड़ इसके सामने आए, लेकिन इनसे बिना डरे ये महासे आगे बढ़ते रहे। यहाँ तक कि एक नीचे झुके हुए पेड़ के नीचे से ये महासे कुछ ऐसे निकले जिसे देखने वाले दंग रह गए। ऐसा मालूम होता है कि देखने में जैसे ये खतरों के खिलाड़ी कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। क्या स्कीइंग के लिए बर्फ और ढलान का होना जरूरी है? शायद नहीं। दोस्तों, ऐसा कारनामा सूखे पत्तों पर भी किया जा सकता है। खैर दोस्तों, ऐसा करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि रास्तों में पेड़ों की छोटी मोटी टहनियों से लड़खड़ाकर गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। आपने दोस्तों साइकिल चलाते हुए तो लोगों को कई बार देखा होगा, लेकिन बिना फ्रंट टायर के साइकिल को कंट्रोल में रखना वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। ऐसी हालत में अगर साइकिल थोड़ी सी भी हिल जाए, जिस पर साइकिल के अगले हिस्से का कोई सहारा नहीं, तो ठोकर खाने पर साइकिल सवार मुंह के बल गिर पड़ेगा। खैर दोस्तों, इसे बहादुरी कहा जाए या बेवकूफी, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। क्या दोस्तों आपने आज से पहले कभी तोतों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा था? खैर नहीं,
मौजूद वीडियो फुटेज में हर तोता बास्केट करने की कोशिश में लगा हुआ है। दरअसल दोस्तों इसकी सच्चाई ये है कि उन्हें हर बास्केट करने पर कुछ खाने को मिलता है और उन्हें इसी तरह सिखाया गया है। एक जंगल में ली गई इस वीडियो फुटेज में जमीन हरकत करती हुई दिखाई पड़ती है। यह जमीन कुछ इस तरह से सांस ले रही है कि मानो उसके साथ पेड़ भी झूमने लगे हो। इंटरनेट पर वायरल होने के बाद लोगों ने इसका नाम ब्रीथिंग अर्थ रख दिया। ये महा से स्केटबोर्ड पर सवार है और रस्सी कूद रहे हैं, जिसे देखने पर दोस्तों यह तो बिल्कुल आसान मालूम होता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि रस्सी कूदना तो खतरनाक तो है पर उसके साथ स्केटबोर्ड पर छलांग लगाना उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, जो कि हर एक की बस की बात नहीं। क्यों दोस्तों लगाना वीडियो कमाल का। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंदुत्व।